नमस्कार, मैं नम्रता अदित्य जयपुर से। आज मैं वापस से अमूल के लाइव पे आई हूँ। मैं जयपुर में केक एंड कर्व्स के नाम से कुकिंग क्लास भी चलाती हूँ और मैं एक होम बेकर हूँ, केक्स वगैरह बनाती हूँ। आज मैं लाइव आई हूँ अमूल के पेज पे एक बार फिर से, तो सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अमूल के पेज पे बनाएंगे कैप्सिकम रिंग्स विद मॉकटेल्स। कैप्सिकम रिंग्स बनाएंगे स्टफ करके और मॉकटेल बनाएंगे उसके साथ ही। तो उसमें जो भी चीजें यूज आएंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमने कैप्सिकम ली है। कैप्सिकम को होल करके पूरा जितने भी बीज थे वो सब निकाल लिए हैं, उसको खाली करके रखा हुआ है। उसमें हम भरेंगे ये अमूल का पनीर जो मैंने घिस के रखा हुआ है, और अमूल की ही चीज है, इसको भी डाइस वाली लेंगे तो उसको घिस लेंगे। ये उबले हुए आलू हैं और ये कुछ मिंट लीव्स और धनिया पत्ती और हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक, और ये एक चटनी बनाएंगे जिसके अंदर हम थोड़ी सी अमूल की क्रीम डालेंगे। और हंकर्ड है, ये थोड़ा सा हंकर्ड लिया मैंने, और ये एक इमली की चटनी है। तो इसको मिक्स करके हम एक इसको खाने के लिए सॉस बनाएंगे। तो हम तैयारी करते हैं अमूल के लाइव में। आज हम बना रहे हैं एक कैप्सिकम रिंग्स बना रहे हैं हम। तो उसके लिए हम सबसे पहले बाउल लेंगे। बाउल में हम डालेंगे पनीर, और हम डालेंगे चीज, चीज डाल दिया हमने। अब हम इसमें डालेंगे पटेटो। ये उबले हुए पटेटो हैं जिनको मैंने घिस के रख लिया था। ये पटेटो डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा धनिया डालेंगे, कटा हुआ धनिया हरा, और थोड़े से मिंट के लीव्स भी हम तोड़ के डाल देंगे। काटने से ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए मैंने काट के नहीं रखे थे। ये थोड़े से मिंट लीव्स डाल दिए। थोड़ी हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। काली मिर्च डालेंगे, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और नमक डालेंगे हम, क्योंकि हमने इसमें चीज भी डाली है तो नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे जितनी उसमें जरूरत है। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। कैप्सिकम रिंग्स बना रहे हैं आज हम अमूल के पेज पे कैप्सिकम रिंग्स। ये नाश्ते के टाइम पे बहुत अच्छी चीज है। मॉकटेल के साथ, जो आज हम इसके साथ मॉकटेल बनाएंगे उसके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम इस मिक्सचर को, ये होल कर दिया था मैंने, सारे बीज निकाल दिए। अब इसके अंदर हम इसको एकदम अच्छे से फिल कर देंगे और इसको एकदम टाइटली फिल करेंगे।
कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर ये मसाला ना जाए। अभी किसी स्पून या उससे मैं करूंगी तो इसके कटने का डर रहेगा नाइफ स्पून से, तो इसलिए मैं हाथ से कर रही हूं। हाथों को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। ये देखिए, इसको इतना टाइटली अच्छे से फिल करना है कि अंदर बिल्कुल भी जगह ना रह जाए, एकदम टाइट फिल करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर और मसाले ऐड कर सकते हैं, पर ये काली मिर्च, नमक और हरी मिर्च के वैसे तो अच्छी लगती है, पर अगर आपको थोड़े मसाले अगर तेज करने हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं। ये देखिए, दबाने के बाद अगर बाहर निकल रहा है तो समझ जाइए कि ये भर चुका है। ये अच्छे से फिल हो गया है। अब इसको हम रखते हैं, एक बार मैं हैंड वॉश करती हूँ। अब इसको हम एक फॉइल लेंगे, कैप्सिकम रिंग बना रहे हैं हम, ये फॉइल लेंगे। इसको हम करीब आधे घंटे के लिए, वैसे तो ज्यादा देर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, इसको फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर में मैंने उसको रख दिया है। मैंने एक रिंग पहले से, एक कैप्सिकम भर के पहले से रखी हुई थी ताकि वो थोड़ी टाइट हो जाए, इसलिए मैंने उसको पहले से भर के रखा था। तो मैं उसको निकाल के ला रही हूँ। उसको निकाल के लाने से पहले मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है, मैं गैस ऑन कर देती हूँ ताकि ये ऑयल गर्म होता रहे। मैं लेकर के आ रही हूँ अपनी जो मैंने रखी हुई थी। एक कैप्सिकम को मैंने पहले फिल करके रख दिया था ताकि ये थोड़ी टाइट हो जाए। ऑयल भी गर्म हो रहा है और इसको एक शार्प नाइफ से कट करेंगे। इसको हम पतला पतला ठीक बराबर स्लाइस में कट करेंगे। मसाला हमारा एकदम टाइट होना चाहिए, टाइट होगा तब वो अच्छे से कट होके निकलेगा। ये देखिए, थोड़ा मोटा मोटा कट करेंगे। ये मैं रेड कलर की लाई थी शिमला मिर्च। ये देखिए, इसमें मुझे थोड़ा मसाला कम लग रहा है तो मैं इसको एकदम से वापस से इसको फिल कर दूंगी। आपको भी अगर ऐसा लगे तो आप इसको ऐसे फिल कर सकते हो।
कैप्सिकम रिंग बना रहे हैं हम, और इसके साथ हम एक मॉकटेल भी बनाएंगे। ये देखिए, इसको हम थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि ये इससे अलग ना हो। थोड़ा इसको प्रेस कर लेंगे। अब ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, इसको हम आज हम बना रहे हैं। अमूल के प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छे हैं। मैं तो हमेशा लाइक तो मैं अब देने लगी हूँ, मैं हमेशा से अमूल के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। मेरे बच्चों को अमूल की चीज, पनीर सब बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो काफी टाइम से अमूल के ही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। ये मैंने इसको फ्रीजर में करीब एक घंटे के लिए रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। ऑयल हमारा एकदम गर्म होना चाहिए, जब भी हम इसको फ्राई करेंगे तो ऑयल हमारा एकदम गर्म होना चाहिए। मैं इसको थोड़ी देर और फ्रीजर में रख देती हूँ, ऑयल गर्म हो रहा है। जब तक मैं आपको मॉकटेल के बारे में बताती हूँ, हम इसके साथ एक मॉकटेल बनाएंगे। उसमें हम ऑरेंज का जूस, पाइनएप्पल का जूस और पाइनएप्पल का क्रश, यूज करके हम एक मॉकटेल बनाएंगे। तो तब तक मैं एक सॉस बना लेती हूँ इसके साथ सर्व करने का। इस बाउल में थोड़ी सी अमूल की फ्रेश क्रीम निकालेंगे, एकदम थिक वाली। इसमें थोड़ी सी इमली की चटनी डालेंगे, और 1 से 2 चम्मच हंकर डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये इसकी एक चटनी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, आप चाहे तो इसको मेयोनीज के साथ, इमली की चटनी मेयोनीज आती है उसको मेयोनीज के साथ भी यूज कर सकते हैं, इमली की चटनी मेयोनीज के साथ मिला करके भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये चटनी तैयार हो गई है। अब हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, अब हम गर्म ऑयल में अपनी रिंग्स को तलेंगे। आज हम बना रहे हैं कैप्सिकम रिंग्स, बना रहे हैं जिसके अंदर हमने पटेटो, चीज और पनीर, इन तीनों को मिलाकर के उसमें पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, काली मिर्च और नमक डाल करके एक तैयार किया था, ये फिलिंग तैयार करी थी, और उसको पूरी शिमला मिर्च के अंदर भर करके, होल करके, शिमला मिर्च में उसके बीज निकाल के उसको अच्छे से टाइटली भर के हमने फ्रीजर में रख दिया था एक घंटे के लिए। तो बस अब फ्रीजर से निकाल के ऐसे कट किया है,
मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम रह गया मसाला, थोड़ा टाइटली भरेंगे, जितना टाइट भर सकते हैं ना उतना टाइट भरेंगे, नहीं तो मसाला निकल के बाहर आएगा। प्रेस करके एकदम टाइटली भरना है। मुझे फ्रिज में रखे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी फ्रीजर में, इसलिए अब इसको ऐसे, ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर में ऐसे लपेटेंगे, कॉर्नफ्लोर के अंदर इस तरह से लपेट देंगे। और लपेटने के बाद तेल एकदम गर्म होना चाहिए और इसको ऐसे फ्राई करेंगे। लाल वाली शिमला मिर्च, कोई भी शिमला मिर्च ज्यादा पकी हुई तो वैसे भी नहीं अच्छी लगती है, और इसमें उबले हुए आलू है तो इसको ज्यादा हमें बस थोड़ा सा कलर आ जाए और इसको ऐसे निकालना है। ये देखिए, इसी तरह से हम ये सारी रिंग्स को तल लेंगे। तो हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इसमें कुछ ऐसा डाला नहीं है जिसको ज्यादा पकाने की जरूरत है, ज्यादा देर तक फ्राई भी नहीं करना है, तेज तेल एकदम तेज गरम होना चाहिए बस। इसको कॉर्नफ्लोर में अच्छे से लपेट के, सूखे कॉर्नफ्लोर में ही लपेटना है हमें, इसको गीला नहीं करना है। ध्यान से ही करिएगा, इसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस आप बना करके रख दीजिए फ्रीजर में। जब मर्जी आए जब आप इसको निकाल करके ट्राई कर सकते हैं। इससे थोड़ा तेल वैसा हो जाता है, पर तेल को वापस से हम छान सकते हैं ठंडा होने के बाद, तो उसमें सब नीचे बैठ जाता है, फिर उसके बाद आप तेल को आराम से छान सकते हैं। देखिए ये इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। तीनों तरह की शिमला मिर्च भी बना सकते हैं, मैं तीन तरह की लाई थी, तीनों ही भर के रखी थी मैंने। आप हरी वाली पसंद करते हैं तो हरी भी, लाल और पीली शिमला मिर्च थोड़ी मीठी अच्छी होती है, तो खाने में भी थोड़ी कच्ची भी रह जाए तो भी बहुत अच्छी लगती है। आज हमने बनाई है कैप्सिकम रिंग्स। अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मैं वैसे ही चीजें काफी बनाती रहती हूँ।
मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना इस तरह की। ये जैसे निकल रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइट कम रह गया था हमारा मसाला, तो बहुत अच्छे से टाइट करके आप भरेंगे तो ये नहीं निकलेगा इस तरह से। क्वेश्चन आ रहा है क्या बेटा, कैप्सिकम रिंग्स बनाई है आज हमने। बस अब हमने गैस को बंद कर दिया है, हमारी रिंग्स बन गई हैं। अब मैं हैंड वॉश करती हूँ। इसके बाद अभी हम बनाएंगे मॉकटेल। मॉकटेल बनाने के लिए हम लेंगे ऑरेंज का जूस जो मैंने घर में ही निकाला है, पाइनएप्पल का जूस ये भी मैंने घर में निकाला है, घर में ही बनाया है इसको भी, और ये क्रश है पाइनएप्पल का। ये मसाला है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे आइसक्रीम। ये देखिए हम इसके अंदर आइस क्यूब डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे ऑरेंज का जूस। थोड़ा पाइनएप्पल का जूस। थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश डालेंगे इसके अंदर। चंक्स हम ऊपर से डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, आप लिम्का, स्प्राइट या सेवन अप जो भी चाहें वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा, ये देखिए इसको हम हटा देंगे सब चीजों को।
इस पे हम रखेंगे मिंट लीव्स, थोड़ा सा क्रश, थोड़ा मसाला। ये मसाला मैंने बनाया है नमक, चीनी और चाट मसाला, नमक चीनी और चाट मसाला ये डाल के, ये थोड़े से पाइन एप्पल के टुकड़े, अब हम इसमें थोड़ी सी स्प्रेड और डाल देंगे। तैयार है, और ये हमारी कैप्सिकम रिंग्स तैयार है। ये देखिए, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए। अमूल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नम्रता अधिच है, मैं जयपुर में केक एंड कर्व्स के नाम से अपनी क्लासेस भी लेती हूँ और मैं एक होम बेकर हूँ। धन्यवाद।